चैप्टर देखने वाले हैं साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन यानी क्या होता है कि किसी भी यानी मिक्सर रहा या फिर किसी के पार्टिकल साइज कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसको सेम क्वांटिटी या फिर सेम साइज के पार्टी उनको डिवाइड करने के लिए साइज सेपरेशन किया जाता है। तो इसका डेफिनेशन है, साइज सेपरेशन इज डिफाइंड एज द सेपरेशन ऑफ पार्टिकल अकॉर्डिंग टू देयर साइज। जैसे कि अभी मैंने बताया कि सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज, तो डिफरेंट डिफरेंट साइज हो सकते हैं। किसी को किसी इसमें अगर पेस्ट बनाना है तो उसको साइज कम लगेगा, या फिर मैसरेशन के लिए साइज ज़्यादा लगता है, तो उसको बाय सीलिंग या फिर अलग अलग मेथड से उसकी वजह से उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या फिर अलग अलग उसको डिवाइड कर सकते हैं। उसे कहते हैं साइज सेपरेशन। ये है ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ पाउडर और ग्रेड्स ऑफ पाउडर। इसके भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, या एक तो आपको ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ पाउडर पूछेंगे या फिर ग्रेड्स ऑफ पाउडर पूछेंगे। अगर सिव में से जो पार्टिकल्स पास होते हैं उसके आधार पे इसका डिफरेंशिएट किया गया है कि कौन सा फाइन पाउडर रहेगा, कौन सा कोर्स पाउडर रहेगा, तो वो अपन अभी देखेंगे। कोर्स पाउडर जो सिव नंबर 10 में से पूरी तरह पास होता है और 40% उसका जो बचा हुआ है 40% उससे ज्यादा पास नहीं होगा सिव नंबर 44 से, उसे कहते हैं कोर्स पाउडर। अभी अगर डेफिनेशन देखेंगे, अ पाउडर ऑफ व्हिच ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू सिव नंबर 10 एंड नॉट मोर देन 40% पार्टिकल्स पास थ्रू सिव नंबर 44, 10 में से पूरी तरह से पास होंगे और 44 नंबर की सिव में से नॉट मोर देन 40%, 40% से ज्यादा पार्टिकल पास नहीं होंगे, उसे कहते हैं कोर्स पाउडर। देन सेकंड है मॉडरेटली कोर्स पाउडर। ये है जो ऑल द पार्टिकल्स पास होंगे 22 नंबर की सिव में से और नॉट मोर देन 40% पास होंगे सिव नंबर 66 में से। तो इसमें है 10 में से पास होंगे 44 में से पूरी तरह 40% से ज्यादा पास नहीं होंगे, इसमें 22 नंबर की सिव में से पूरी तरह से पास होंगे लेकिन 40% से ज्यादा 66 नंबर की सॉरी 60 नंबर की सिव में से पास नहीं होंगे, इसे कहते हैं मॉडरेटली कोर्स पाउडर। देन थर्ड है मॉडरेटली फाइन पाउडर। इसमें क्या होगा, 44 नंबर की 44 नंबर की सिव में से ऑल द पार्टिकल्स पास होंगे लेकिन 40% जो पार्टिकल्स हैं वो उससे ज्यादा पास नहीं होंगे, तो उनसे सिव में से सिव नंबर 85, जो पार्टिकल पास थ्रू सिव नंबर 44 एंड नॉट मोर देन 40% पार्टिकल पास थ्रू सिव नंबर 85, इसे कहते हैं मॉडरेटली फाइन पाउडर। देन फोर्थ है फाइन पाउडर। ये पूरे के पूरे जो पार्टिकल्स रहेंगे या फिर पाउडर रहेगा वो सिव नंबर 85 में से पूरी तरह से पास होगा, उसे कहते हैं फाइन पाउडर। देन वेरी फाइन पाउडर जो ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू सिव नंबर 120, 120 सिव नंबर 120 में से पूरी तरह से जो पार्टिकल पास होंगे उसे कहते हैं वेरी फाइन पाउडर। अभी फिर से देखेंगे, इसमें क्या है कोर्स पाउडर जो 10 नंबर के सिव में से पूरी तरह से पास होंगे लेकिन 40% से ज्यादा पार्टिकल 44 नंबर के सिव में से पास नहीं होंगे, उसे कहेंगे कोर्स पाउडर। और जो मॉडरेटली कोर्स पाउडर में क्या है, जो पार्टिकल सिव नंबर 22 में से पूरी तरह से पास होंगे लेकिन 40% से ज्यादा पार्टिकल सिव नंबर 60 में से पास नहीं होंगे, उसे कहेंगे मॉडरेटली कोर्स पाउडर। देन मॉडरेटली फाइन पाउडर में क्या है, जो पार्टिकल सिव नंबर 44 में से पूरी तरह से पास होंगे लेकिन नॉट मोर देन 40% यानी 40% से ज्यादा पार्टिकल सिव नंबर 85 में से पास नहीं होंगे, उसे कहेंगे मॉडरेटली फाइन पाउडर। देन फाइन पाउडर क्या है, जो सिव नंबर 85 में 85 से पूरी तरह से पास होंगे उसे
स्पाइक पाउडर, और जो पार्टिकल क्यू नंबर 120 में से पास होंगे उसे कहेंगे वेरीफाइड पाउडर। देन डेफिनेशन ऑफ क्यू नंबर, क्यू नंबर क्या रहता है कि जो क्यू रहती है उस जिसमें से आपको पार्टिकल सेपरेट करना है या यूज करना है वो डिपेंड करती है क्यू के मेशेस पे। जैसे कि अभी डेफिनेशन देखेंगे, क्यू नंबर इज अ नंबर ऑफ मेशेस इन द लेंथ ऑफ 2.54 सेंटीमीटर इन ईच डायरेक्शन पैरेलल टू द वायर। ये क्या रहता है, जैसे अपनी छलनी या फिर चालनी रहती है उसमें से जो वायर वगैरह रहती है क्रॉस और ट्रांसवर्स में, तो 2.54 सेंटीमीटर के एरिया में जितने मेशेस आएंगे क्रॉस करेंगे उसे कहते हैं उसका सीयू नंबर। देन मेथड ऑफ साइज सेपरेशन, इसमें मेनली फोर मेथड यूज होती है। पहली है स्पिनिंग, दूसरी साइक्लोन सेपरेटर, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ये चैप्टर में साइक्लोन सेपरेटर पे। देन थर्ड है एयर सेपरेटर और फोर्थ है फिल्ट्रेशन। तो आज हम देखेंगे स्पिनिंग। स्पिनिंग में क्या रहता है, ये इस प्रकार की असेंबली रहती है, ये सेपरेट होते हैं दोनों, इसमें सीयू अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो ज्यादा नंबर की सीयू है वो उसको उसके नंबर के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको रखते हैं। और इसमें बल्ब वगैरह लगा रहता है, स्पीड एडजस्टमेंट या शेकिंग कितने इसमें होनी चाहिए वो पूरा डिपेंड करता है इसमें। जो मटेरियल है वो ऊपर की सीयू में रखते हैं और लीड वगैरह प्लेस करके उसको फिट करते हैं, और उसके बाद रेगुलेटर चालू करके उसका जो स्पीड मेंशन किया होगा उसके हिसाब से उसको चालू होता है, तो वो शेक करना चालू होता है। एक तो पर्टिकुलर टाइम तक उसको शेक करते हैं, उसके बाद ये पूरा जो हर एक सीयू में जितने भी पार्टिकल्स होंगे उसको कलेक्ट करते हैं। तो अभी ये देखेंगे हम स्विमिंग। स्विमिंग में क्या किस लिए यूज करते हैं कि जो फाइन पाउडर्स है और कोर्स पाउडर है उसको सेपरेट करने के लिए स्विमिंग प्रोसीजर यूज होती है। जैसे फाइन पाउडर आर सेपरेटेड फ्रॉम कोर्स पाउडर बाय यूजिंग सीयूज ऑफ डिजायर्ड नंबर। तो कोर्स और फाइन पाउडर और कोर्स पाउडर सेपरेट करने के लिए सीयू और डिजायर्ड यानी जैसे कि नंबर दिए रहते हैं, जैसे आपने देखा है यहाँ पे, तो उसको सीयू नंबर के हिसाब से उसको सेपरेट करते हैं। देन सीयूज आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इनका जो ऑर्डर रहता है वो डिसेंडिंग में रहता है, जो पहले ज्यादा वाली फिर यानी कोर्स वाली फिर फाइन फिर मॉडरेटली फाइन ऐसे उसको अरेंज करते हैं उसके सीयू नंबर के हिसाब से। देन साइज सेपरेशन इज डन बाय पासिंग द पाउडर थ्रू अ सेट ऑफ सीयू, सबसे ऊपर वाली जो सीयू है उसमें पाउडर रखा जाता है और प्रोसेस चालू करते हैं बाय शेकिंग वगैरह या फिर शेकर वगैरह यूज करके। देन द बॉटम ऑफ सीयू अटैच टू द रिसीवर बाय जो सबसे आखिरी वाली सीयू है उसमें रिसीवर रहता है जिसमें जो मटेरियल वगैरह है वो रिसीव कर सके। देन सीयूज आर शेकन बाय, ये जो असेंबली है सीविंग की वो उसको यूज करते हैं, तो मैकेनिकल सीयू शेकर या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस से इसको यूज करते हैं, ताकि अपने को कोर फाइन मॉडरेटली फाइन ऐसे डिफरेंट डिफरेंट साइजेस पाउडर के मिल सके।